नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदगी फिर भी प्यारी है। दोस्तों, हास्य एक ऐसा रंग है जीवन का जो सभी को भाता है, जिसके बिना सब कुछ सूना सूना लगता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही हास्य कवि की एक कविता लेकर आई हूँ, जिनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, काका हाथरसी। इनकी कविताएं हमेशा गुदगुदा देती हैं अंदर से, और आप बहुत देर तक हंसते रहते हैं सुनने के बाद में। लेकिन इनकी कविताओं में कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ होता है जो हमें समझना चाहिए, लेकिन वो उस मैसेज को इतने मज़ेदार तरीके से, हास्य के रूप में, इतने मतलब जिसे इजी तरीके से एक आम आदमी समझ सके, एक बहुत ही सरल भाषा में और एक बहुत अच्छी भाषा में वो हम लोगों को समझा देते हैं। तो इनकी एक कविता है, इनकी वैसे सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट है, दहेज की बारात। इसमें उन्होंने एक बारात का वर्णन किया है कि वो बारात में जाते हैं, पुराने टाइम में जिस तरीके की होती थी बारात, तो उस तरीके का उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन समस्या तो आज भी है, वैसे ये नहीं कह सकते कि हम समस्या आज ये दहेज की नहीं है, लेकिन हमेशा इन कहते हैं ना कि कवि जो होता है उसकी जो कृतियाँ होती हैं वो हर समय पे ही सही लगने लगती हैं। तो उस समय भी उनकी बात सही थी और आज भी उनकी बात सही है, पर बहुत मज़ेदार तरीके से उन्होंने इसे पेश किया है। तो हम शुरू करते हैं दहेज की बारात। इसमें जो भाषा है वो शायद वो मतलब हिंदी नहीं है प्योर, जो उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको एकदम से शायद ना समझ में आए, पर बहुत मज़ेदार तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका मतलब आपको बताती रहूं। तो कविता का नाम है दहेज की बारात। अब काका जो हैं वो तैयार हो गए हैं बारात में जाने के लिए। जा दिन एक बारात को मिलियो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरे यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र फटकती बोटी बोटी, यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, बाद दिन अच्छी ना लगे अपने घर की रोटी। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जब बारात का निमंत्रण मिलता था तो लोग कई दिन तक खाना नहीं खाते थे। मतलब मुझे मेरे बाबूजी बताया करते थे कि पहले गांव में ऐसा होता था। जा दिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरे यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, बाद दिन अच्छी ना ही लगे अपने घर रोटी। कह काका कवि राय लार मोहना से टपके, कर लडुअन की याद जीभ से आपन सी लपके। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मुंह में लार टपक रही है सोच सोच के वहाँ के खाने के बारे में, और लड्डुओं को याद करके हमारी जो जीभ है वो सांप की तरह लपक रही है। आगे कहते हैं, मार्ग में जब है गई अपनी मोटर फेल, दौरे स्टेशन लई 3 बजे की रेल। मार्ग में जब है गई अपनी मोटर फेल, दौरे स्टेशन लई 3 बजे की रेल। 3 बजे की रेल मच रही धक्कम धक्का, दो मोटे गिर परे पिच गए पतरे कक्का। 3 बजे की रेल मच रही धक्कम धक्का, दो मोटे गिर परे पिच गए पतरे कक्का। कह काका कवि राय पटक दूल्हा ने खाई, कह काका कवि राय पटक दूल्हा ने खाई, पंडित जू रह गए चढ़ गयो ननुआ नाई, पंडित जू रह गए चढ़ गयो ननुआ नाई। यानी कि रेलगाड़ी में इतनी भीड़ थी कि जो दूल्हा था उसने भी पटक खाई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत शादी में पंडित जी की होती है तो वो तो रह ही गए। आगे वो कहते हैं, नीचे को करो थूथरो ऊपर को करी पीठ, मुर्गा बनी बैठे हमहू, मिली न को सीट, भीड़ में बन गो भुरता, फारी ले गयो कौ हमारो आधो कुर्ता। मतलब भीड़ के अंदर भुरता तो बनी गया, कोई उनका आधा कुर्ता भी फाड़ के ले गया। कह काका कवि राय परिस्थिति विकट हमारी, पंडित जी रह गए उन्हीं पे टिकस हमारी। टिकस मतलब टिकट।
पंडित जी रह गए, उन्हीं पे टिकस हमारी। अब आगे बड़ी रेल में बैठ तो गए, फपक फपक गाड़ी चले, फपक फपक गाड़ी चले धक धक जिया होए, फपक फपक गाड़ी चले धक धक जिया होए, एक पनहिया रह गई, एक गई कहीं खोऊ। पनहिया चप्पलों को बोलते हैं। फपक फपक गाड़ी चले धधक धधक जिया होए, एक पनहिया रह गई, एक गई कहूँ खोए, एक गई कहूँ खोए तभी घुस आयो टीटी, एक गई कहूँ खोए तब हो घुस आयो टीटी, मांगन लगियो टिकस रेल ने मारी सीटी। कह काका कवि समझायो पर नहीं मान्यो भैया, कह काका समझायो पर नहीं मान्यो भैया, छीन ले गया तेरे आना 3 रुपया। उस समय वो बड़ी रकम होती होगी। छीन ले गयो तेरे आना 3 रुपया। अब जी उसके बाद अब पहुंच गए, अब टीटी को पैसे वैसे भी दे दिए, अब पहुंच गए शादी की जगह पे। जन्माष्टमी होता है जहाँ पे, मतलब शादी से पहले रोकते हैं जहाँ पर। जन्माष्टमी में मच रहो, जन्माष्टमी में मच रहो ठंडाई को शोर, जन्माष्टमी में मच रहो ठंडाई को शोर, मिर्च और शक्कर दही सपरेटा में घोर, सपरेटा में घोर बराती करते हुल्लड़, स्वादी स्वादी में खींच गए हम 12 कुल्लड़, 12 कुल्लड़ वो ठंडाई पी गए। सपरेटा में घोर बराती करते हुल्लड़, स्वादी स्वादी में खींच गए हम 12 कुल्लड़, कह काका कवि राय पेट हो गयो नगाड़ो, कह काका कवि राय पेट हो गयो नगाड़ो, निकरासी के समय हमें चढ़ी आयो जाड़ो। अब जी पहुंच गए बारात वाली जगह पे, शादी वाली जगह पे। बेटा वारे ने कही यही हमारी टेक, बेटा वारे ने कही यही हमारी टेक, दर बज्जे पे लऊ नगद 501। उस वक्त, अब तो लाखों करोड़ों में दहेज मांगा जाता है, लेकिन उस वक्त जब आने में जब बात हो रही है तो उस समय तो 501 बहुत बड़ी रकम हुई होगी। बेटा वारे ने कही यही हमारी टेक, दरबाजे पे लऊं नगद 501, नगद 501 पड़ेगी तभी भावर, भावर मतलब फेरे, नगद 501 पड़ेगी तभी भावर, दूल्हा कर दियो बंद, दूल्हा कर दियो बंद भीतर सो दे दी साकर। कह काका कवि समधी डोले रूसे रूसे, कह काका कवि समधी डोले रूसे रूसे, अर्धरात्रि हो गई पेट में कूदे मुँह से। खाने को तो कुछ मिला नहीं, वहाँ तो माहौल गर्म हो गया है। बेटी वारे ने बहुत जोरे उनके हाथ, अब बेटी वाला और क्या करेगा, वो तो उसको यही करना होता, हाथ ही जोड़ता है। बेटी वारे ने बहुत जोरे उनके हाथ, पर बेटा के बाप ने सुनी न कोऊ बात, पर बेटा के बाप ने सुनी न कोऊ बात, सुनी न कोऊ बात बराती डोरे भूखे, सुनी न कोऊ बात बराती डोरे भूखे, पूरी लडुआ छोड़ चनाहुना मिले न सूखे, पूरी लडुआ छोड़ चनाहुना मिले न सूखे। कह काका कवि राय, कह काका कवि राय जान आफत में आई, कह काका कवि राय जान आफत में आई, जम की बहन बरात कहावत ठीक बनाई। यम की बहन बरात, मतलब कोई कहावत है ये कि बारात जो है यम की बहन के बराबर होती है। जम की बहन बरात कहावत ठीक बनाई, समधी समधी लड़ी पड़े। अब मामला बहुत गर्म हो गया है, अभी तक तो हाथ जोड़े जा रहे थे, अब जब हाथ जोड़ने से बंदा नहीं माना तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है। समधी समधी लड़ी पड़े तैने भाई कछु बात, कुछ बात तय नहीं हो पाई। समधी समधी लड़ी पड़े तैने भाई कछु बात, चले घरात बरात में थप्पड़ घूसा लात, थप्पड़ घूसा लात तमाशो देखे नारी, देख जंग का दृश्य कप कपी बंधी हमारी। कह काका कवि बांध बिस्तरा भाजे घर को, कह काका कवि बांध बिस्तरा भाजे घर को, पीछे सब चल दिए संग में लेके वर को। मतलब वहां तो घूसा लात सब चल गई और शादी तो हुई नहीं। भात भरतई मार भरतई पे परी, भरतई जो भात लेके आता है मामा, मार भरतई पे परी बनगो वाको भात, बिना बहू के गाम को आई लौट बरात, आई लौट पर बरात परी गयो फंदा भारी, आई लौट बरात परी गयो फंदा भारी, दरवाजे पे खड़ी बरातिन की घरवारी। कह काकी ललकार लौट के वापस जाओ,
कह काकी ललकार लौट के वापस जाओ, बिना बहू के घर में कोहू घुसन ना पाओ। भैया वापस जाओ, बहू लेके आओ हमारी। कह काकी ललकार लौट के वापस जाओ, बिना बहू के घर में कोई घुसन ना पाओ। हाथ जोरी मांगी क्षमा, अब भैया बीवी के सामने तो चलती नहीं है ना। हाथ जोरी मांगी क्षमा नीची करके मौज, हाथ जोरी मांगी क्षमा नीची करके मौज, काकी ने पुचकारी के आंसू दीने पहुँच। आंसू दीने पहुँच कसम बाबा की खाई, आंसू दीने पहुँच कसम बाबा की खाई, अब जब तक जीऊँ जब तक जीऊँ बरात न जाऊँ राम दुहाई। कह काका कवि राय अरे ओ बेटा वारे, कह काका कवि राय अरे ओ बेटा वारे, अब तो दे दे टीटी वारे दाम हमारे। भैया वो टीटी को तो पैसे दिए थे, वो तो कोई वापस कर दो ना। तो हमें बारात में लड्डू मिले, ना पूरी मिली, ना खाना मिला, पिटाई हुई और वापस भगा दिए गए। तो ये एक हास्य व्यंग है ये, लेकिन सच्चाई यही है कि दहेज जो है वो तब भी एक समस्या था और आज भी एक समस्या है। तो हमें इस समस्या से ये हमें एक सीख देकर गए हैं कि दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज मांगना हमारे संविधान के हिसाब से भी कानूनन जुर्म है और मानवता के लिए भी जुर्म है। जो व्यक्ति आपको अपनी पली पलाई बेटी दे रहा है, उससे आप और किसी चीज़ की क्या अपेक्षा रखते हैं? जो जीवन भर आपके परिवार का ध्यान रखेगी, उसका पोषण करेगी, आपके बेटे को एक जीवन साथी मिल रहा है, उसके बदले में आपको और क्या चाहिए? यही संदेश ये कविता हमें देना चाहती है। तो वापस आते हैं अपनी बात पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और इस कविता को आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये तो कविता इतनी अच्छी, काका की कविताएं सारी बहुत अच्छी हैं और कोई ये कह ही नहीं सकता कि पसंद नहीं आई। तो सबको पसंद आई है तो सबको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करना है। हर बार ये रटी हुई बात मैं बोल देती हूँ पर होता कुछ नहीं है। तो अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े मेरा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और कविता इतनी अच्छी है इसे लाइक करना बनता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।